हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्टैंडर्ड टू, सब्जेक्ट मैथ्स मैजिक वर्क बुक. ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हमने पेज नंबर 59 तक कंप्लीट कर लिया था. टुडे सर पेज नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट. डिटेल्स ऑफ द आइटम्स सोल्ड इन ए कैंटीन एंड इट्स प्राइस इज गिवन राइट्स द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ इट. ओके स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे हमें दिया गया है, एक कैंटीन की डिटेल्स दी गई है जिसमें सारे आइटम्स दिए हैं और उनकी प्राइजेस दी है. अब इन्हीं के बेसिस पे हमें जो आगे के क्वेश्चन आंसर है वो सॉल्व करने हैं. देखो यहाँ पे आइटम्स दिए गए हैं और ये रही उनकी प्राइजेस. डोसा 24 रुपीज़, इडली 17 रुपीज़, उत्पम 28 रुपीज़, दही वड़ा 23 रुपीज़, पुलाव 15 रुपीज़, सूप 25 रुपीज़, नूडल्स 15 रुपीज़ और कॉफ़ी 8 रुपीज़. ओके, चलो तो हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द टोटल प्राइस ऑफ डोसा एंड इडली. अब हमसे क्या पूछा गया है कि डोसा और इडली की टोटल प्राइस क्या है, तो हम यहाँ पे देखेंगे डोसा 24 रुपीज़ है, तो हम यहाँ लिखेंगे 24 रुपीज़ डोसा और 17 रुपीज़ इडली. और इसका क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, हमको टोटल पूछा गया है तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे. 24 प्लस 17 रुपीज़ इक्वल टू 14 रुपीज़, तो हमारा टोटल आंसर आएगा 41 रुपीज़ टोटल प्राइस ऑफ डोसा एंड इडली. ओके, टू नंबर, व्हाट इज़ द टोटल प्राइस ऑफ उत्पम एंड दही वड़ा. अब हमसे पूछा गया है कि उत्पम और दही वड़ा की टोटल प्राइस क्या होगी, तो हम यहाँ पर देखेंगे उत्पम की 28 रुपीज़ प्राइस दी गई है, तो हम यहाँ लिखेंगे 28 रुपीज़ उत्पम एंड 23 रुपीज़ दही वड़ा. तो यहाँ पे लिखो 23 रुपीज़ दही वड़ा. अब इसका प्लस करो, 28 प्लस 23 इक्वल टू 51, तो हमारा टोटल आंसर क्या आएगा, 51 रुपीज़ टोटल प्राइस ऑफ उत्पम एंड दही वड़ा. उत्पम और दही वड़ा की टोटल प्राइस क्या हो गई, 51. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द टोटल प्राइस ऑफ पुलाव एंड सूप. अब हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि पुलाव और सूप की टोटल प्राइस क्या होगी, तो हम यहाँ पर देखेंगे पुलाव की है 15 रुपीज़ और सूप की है 25 रुपीज़, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15 रुपीज़ पुलाव प्लस 25 रुपीज़ सूप. तो चलो 15 प्लस 25 करो, 15 प्लस 25 रुपीज़ प्लस टोटल आया 40 रुपीज़, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 40 रुपीज़ टोटल प्राइस ऑफ पुलाव एंड सूप. ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द टोटल प्राइस ऑफ नूडल्स एंड कॉफ़ी. टोटल प्राइस क्या है नूडल्स की और कॉफ़ी की, तो देखो हम देखेंगे नूडल्स की टोटल प्राइस है 15 रुपीज़ और कॉफ़ी की है 8 रुपीज़, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15 रुपीज़ नूडल्स प्लस 8 रुपीज़ कॉफ़ी, तो टोटल क्या आएगा, 15 प्लस 8 इक्वल टू 23 रुपीज़, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर में 23 रुपीज़ टोटल प्राइस ऑफ नूडल्स एंड कॉफ़ी. ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द टोटल प्राइस ऑफ डोसा एंड सूप. अब हमसे पूछा गया है कि डोसा और सूप की टोटल प्राइस क्या होगी, तो हम यहाँ लिखेंगे 24 रुपीज़ डोसा प्लस 25 रुपीज़ सूप, तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे 24 का और 25 का, तो चलो 24 प्लस 25 इक्वल टू 49, आंसर में आएगा हमारा 49 रुपीज़ टोटल प्राइस ऑफ डोसा एंड सूप. 6 नंबर, व्हाट इज़ द टोटल प्राइस ऑफ उत्पम एंड पुलाव. अब हमसे पूछा गया है कि उत्पम और पुलाव की टोटल प्राइस क्या है, तो हमने देखा ही था अभी उत्पम की प्राइस क्या है, 28 रुपीज़ और पुलाव की है 15 रुपीज़, तो हम यहाँ लिखेंगे 28 रुपीज़ उत्पम प्लस 15 रुपीज़ पुलाव, तो चलो 28 प्लस 15 इक्वल टू 43, हमारा आंसर क्या आया, 43 रुपीज़ टोटल प्राइस ऑफ उत्पम एंड पुलाव. ओके, ये देखो ये वाला पेज हमने पूरा सॉल्व कर लिया है. अब नाउ यू नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मच मोर इज़ द प्राइस ऑफ डोसा एंड कंपेयर टू दही वड़ा. अब हमसे क्या पूछा गया है कि डोसा के कितने रुपीज़ ज़्यादा है दही वड़ा से, तो हम देखेंगे यहाँ पर
तो डोसा कितने रुपीस का है? 24 रुपीस का, तो हम यहाँ लिखेंगे 24 रुपीस डोसा। और दही वड़ा, दही वड़ा है 23 रुपीस, तो हम यहाँ लिखेंगे 23 रुपीस दही वड़ा। तो चलो इसका माइनस करो। अब देखो 24 माइनस 23, तो देखो डोसा का दही वड़ा से कितने रुपीस ज़्यादा है? ओनली फॉर 1 रुपीस। 24 माइनस 23 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1 रुपीस। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 रुपीस प्राइस मोर ऑफ डोसा कंपेयर्ड टू दही वड़ा। ओके, डोसा का सिर्फ दही वड़ा से 1 रुपीज़ ही ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मच लेस इज द प्राइस ऑफ सूप अस कंपेयर्ड टू उत्पम। तो देखो हमसे क्या पूछा गया है कि उत्पम की सूप से उत्पम है 28 रुपीज़ और सूप है 25 रुपीज़। तो 25 रुपीज़ सूप का उत्पम से कितना रुपया कम है? तो हम आंसर में क्या लिखेंगे यहाँ पर? 3 रुपीज़। 28 माइनस 25 करो, 28 माइनस 25 इक्वल टू 3 रुपीज़। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा आंसर? 3 रुपीज़ प्राइस लेस ऑफ सूप अस कंपेयर टू द उत्पम। सूप की 3 रुपीज़ प्राइस कम है किससे? उत्पम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, हाउ मच मोर इज द प्राइस ऑफ दही वड़ा अस कंपेयर टू कॉफ़ी। अब हमसे क्या पूछा गया है कि दही वड़ा की कितने रुपीज़ ज़्यादा है कॉफ़ी से। तो देखो हमने यहाँ पे देखा है कि दही वड़ा का प्राइस है 23 रुपीज़, तो हम यहाँ लिखेंगे 23 रुपीज़ दही वड़ा, और 8 रुपीज़ है कॉफ़ी की, तो हमने लिखा यहाँ पे 8 रुपीज़ कॉफ़ी। अब देखो हमें क्या करना है, 23 माइनस 8, अब हमें 23 माइनस 8 करना है, तो हम यहाँ पे कैरी लेकर इसको माइनस कर लेंगे, तो 23 माइनस 8 इक्वल टू 15। हमारे पास आंसर क्या आया? 15। तो हम यहाँ लिखेंगे 15 रुपीज़ मोर प्राइस ऑफ दही वड़ा कंपेयर टू कॉफ़ी। ओके, दही वड़ा की 15 रुपीज़ ज़्यादा प्राइस है किससे? कॉफ़ी से। कितनी रुपीज़ ज़्यादा प्राइस है? 15 रुपीज़ ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मच लेस इज़ द प्राइस ऑफ नूडल्स अस कंपेयर टू इडली। अब हमसे पूछा गया है कि नूडल्स के कितने रुपीज़ प्राइस कम है इडली से। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इडली की प्राइस 17 रुपीज़ इडली एंड 15 रुपीज़ नूडल्स। तो हमें देखो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, सब्ट्रैक्शन मीन्स माइनस करना है 17 में से 15, तो कितना आंसर आया हमारा? 2 रुपीज़। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 रुपीज़ लेस प्राइस ऑफ नूडल्स अस कंपेयर टू इडली, मतलब 2 रुपीज़ कम है किससे? नूडल्स का इडली से। ओके, इतना समझ में आया आपको? तो देखो ये वाले क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 9, 5 फ्रेंड्स बोट सम बीड्स फ्रॉम ए शॉपकीपर, स्टेट हाउ मैनी स्ट्रिंग्स ऑफ 10-10 बीड्स कैन बी मेड आउट ऑफ इट एंड हाउ मैनी बीड्स विल बी लेफ्ट ओवर एंड राइट्स द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ इट। ओके स्टूडेंट्स, देखो हमें यहाँ पर टेंस और वंस में आंसर देना है और हमें दिया गया है आगे के क्वेश्चन आंसर भी हमें इसी बेस पे सॉल्व करने हैं। यहाँ पे देखो हमें नेम दिए गए हैं और यहाँ पे बीड्स दिए गए हैं और यहाँ पे 5 फ्रेंड्स है। कौन कौन है? नमित, उषा, नमन, नरेश और नरेन। तो देखो नमित के हैं 14 बीड्स, उषा के हैं 12 बीड्स, नमन के हैं 27 बीड्स, नरेश के हैं 35 बीड्स और नरेन के हैं 38 बीड्स। तो चलो हम इसे टेंस और वंस में अलग करना है। तो देखो ये है टेंस और ये है वंस। तो देखो ये है 1 है इसमें टेंस और 4 है वंस। 12 में से 1 टेंस है और 2 वंस है। 27 में से 2 टेंस है और 7 वंस है। 35 में 3 टेंस है और 5 वंस है। और 38 में 3 टेंस है और 8 वंस है। ओके स्टूडेंट्स, देखो इतना हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे देखिए क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मैनी बीड्स इन ऑल डू नमित एंड उषा हैव। अब हमसे पूछा गया है कि नमित और उषा के टोटल कितने बीड्स हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो चलो प्लस करो। यहाँ पे देखो नमित के 14 बीड्स और उषा के 12 बीड्स। तो चलो यहाँ पे लिखो 14 नमित और 12 उषा और इसका प्लस करो, 14 प्लस 12 इक्वल टू 26। तो आंसर में क्या आएगा हमारा? 26 बीड्स इन ऑल डू नमित एंड उषा।
नमित और उषा के टोटल 26 बीट्स हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर टू, हाउ मैनी बीट्स इन ऑल डू उषा एंड नमन है। उषा और नमन के कितने टोटल बीट्स हैं? तो चलो हम देखेंगे, उषा के 12 और नमन के 27। तो यहाँ पे लिखो 12 उषा, 27 नमन, और इसका प्लस करो, 12 प्लस 27 इक्वल टू 39। हमने इसका प्लस किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 39। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 39 बीट्स इन ऑल डू उषा एंड नमन। ओके स्टूडेंट्स, देखो हमने टू पेजेस कंप्लीट कर लिए हैं, नाउ योर नेक्स्ट पेज। ओके स्टूडेंट्स, देखो मैंने आप लोग को टू पेजेस अच्छी तरह समझा दिया है, उसी बेस पर आपको ये सारे प्लस माइनस वाले ही क्वेश्चन आंसर है, आपको ये पूरे मैं होमवर्क में दे रही हूँ 3 से लेकर 10 तक, और ये हमारे यहाँ पे आज चैप्टर फिनिश हो जाएगा, तो आप लोगों को ये कंप्लीट करना है होमवर्क में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।